वो भी कहता है टाइम नहीं है और भिखारी भी कहता है टाइम नहीं, तो टाइम का हो क्या रहा है बताओ आप। ये मेरे भाई दिमागी गेम है। टाइम तो सभी के पास 24 घंटे है, न तो आप 1 सेकंड कम कर सकते हैं न आप 1 सेकंड बढ़ा सकते हैं। कोई भी तरीका दुनिया में नहीं है जिससे आप टाइम पैदा कर सकते हो सिवाय आरसिम ब्रेनिस के। मेरे पास 24 घंटे थे, मेरे पास 24 घंटे थे और मैंने क्या किया, उन 24 घंटे में से कुछ समय चुराया और अपने 2 दोस्तों को यह बिजनेस के बारे में बता दिया। दोनों दोस्त भी 1-1 घंटा आरसीएम में काम करने लगे, लेकिन मेरी टीम में थे तो उनके लिए अगर काम हो रहा था तो मेरे लिए भी काम हो रहा था। तो 24 घंटे तो मेरे पास थे, 2 घंटे मैंने जोड़ लिए तो हो गए 26। हेलो, अब तीनों ने काम चालू किया, तीनों ने अगले महीने 2-2 आदमी को समझाया तो 6 घंटे फिर पैदा हो गए। मेरे पास सबके पास 24, मेरे पास 26 और 6 32। और धीरे 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 लोगों को बताना चालू किया। आज मेरी टीम में नेटवर्क में 1 करोड़ लोग हैं। कितने मैं नहीं जानता, लेकिन 1 करोड़ लोग हैं और 1 करोड़ आदमी एक दिन में 1 मिनट भी काम करे, छोड़ दो घंटा, एवरेज 1 मिनट। 1 करोड़ आदमी एक दिन में 1 मिनट काम करे तो मेरे पास एक दिन के 1 करोड़ मिनट हैं, आपके जीवन में नहीं है। हो गया टाइम पैदा। लेकिन ये टाइम कब पैदा हुआ, जब हमने टाइम डाला तो टाइम इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई। अगर आपके पास मरने की फुर्सत नहीं है तो फिर आपको जीने का हक भी नहीं। आप क्या करने जा रहे हैं ऐसा कि आपके पास मरने की ही फुर्सत नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी कि हमें समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ चुका होता तो हम कितना भी टाइम इस बिजनेस के अंदर निकाल चुके होते। इस बिजनेस को ज्वाइन किया, पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में काम करना चालू किया, धीरे धीरे बात समझ में आई। 2001 के लास्ट में जाकर मैं इस बिजनेस में फुल टाइम आया। फुल टाइम आया तो तेज गति से काम करना चालू किया। इस बिजनेस का पहला रॉयल्टी चोर बना, रॉयल्टी पर गया तो 23,000 की इनकम पहले मैंने किया ही। 23,000 की इनकम को देखकर मेरी टीम के कुछ लोग चार्ज हुए, उन लोगों ने भी मेरे साथ काम करना चालू किया। अब मेरा काम तेज गति से बढ़ा। 2002 अक्टूबर में मैं इस टीम का, इस बिजनेस का सबसे बड़ा अचीवर बना। मेरा 1 महीने का कमीशन उस जमाने में हो गया था 2,85,490 रुपए का, वो चेक मुझे अभी तक याद है, 2,85,490 रुपीज। ये बात कर रहा हूं सन 2002 में। उस समय मारुति 800 आती थी 1,75,000 में, 1,75,000 की मारुति 800 आती थी और मेरा चेक था 2,85,000 रुपए। जूही में इस गति से आगे बढ़ा, जीवन में कभी सोचा नहीं था। 3 साल की सैलरी मिला हो तो वो नहीं थी, लेकिन यहां पर 1 महीने का जब 2,85,000 आया तो मैंने थोड़ा सीखना बंद किया। कहते हैं कि जब आप वो तेज गति से आगे जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान आपके कान आंख नाक बंद कर देता है, अपनी सीखने की क्षमताओं को खत्म कर देता है। उसे लगता है कि मैं तो अब कामयाब हूं, साला मैं तो सांप बन गया, अब मुझे सीखने की जरूरत क्या है, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब कुछ पता है। और जू ही आपके दिमाग में यह पहली विषय वस्तु आती है कि मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब पता है, तो समझ लो आपको लकवा लग गया है। अंग्रेजी की कहावत है, परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं तो समझ लो आपको लकवा लग गया है। परफेक्ट कोई होता नहीं दुनिया में, जीवन के अंतिम समय तक मरते मरते वक्त भी आप बात सीखेंगे। और सीखना एक जर्नी है, सीखना एक प्रोसेस है, सीखना कोई एंड नहीं है। कोई कहता मैं सब कुछ सीख गया हूं तो वो खत्म हो जाएगा। कामयाबी इस बात से नहीं मिलती कि आपको कितना पता है, कामयाबी इस बात से मिलती है कि आप कितना जानना चाहते हैं। अगर जानना चाहते हैं ये आपको पता है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। एक डॉक्टर 40 साल पहले उसने BDS किया, दांतों का डॉक्टर बना। 40 साल पहले BDS किया, दांतों का डॉक्टर बना,
लेकिन 40 साल पहले दांत को निकालने की टेक्नोलॉजी बड़ी खराब सी थी, दर्द होता था दांत निकालने में, और उस समय सारे डॉक्टर कैसे निकालते थे दांत, वो कहते थे मुंह खोलो, सामने वाला मुंह खोलता था तो उसको कहते थे उधर देख ठाक, एक झटका लगता था पूरा आदमी कहरा जाता था और दांत बाहर आ जाता था। ये उस जमाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थे, और भाई साहब जिन्होंने बीडीएस किया था वो सीख के आए, लाइन लगती थी उनके यहां पर, खूब दांत निकालते गए, लेकिन वो सीखना उन्होंने बंद कर दिया, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बंद कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा हूं वही दुनिया का सबसे बेहतरीन है, उन्होंने कहा इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और 40 साल के बाद भी आज भी वो इसी तरह से दांत निकाल रहे हैं, तो आप में से कितने लोग वहां जाएंगे? एक आदमी जो सबसे टॉप पर था, नहीं सीखने की वजह से वो जीरो पर आ गया। सीखना प्रोसेस है। धीरूभाई अंबानी आठवीं पास ही था भाई साहब, गलत फहमी का शिकार नहीं था, वो हमेशा कहता था यार मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ ना। उसकी कंपनी के इंजीनियर से वो खुद पूछता था कि भाई तू पढ़ा लिखा है, तूने आईआईटी की, मैं तो आठवीं पास हूं, तुझे रखा ही इसलिए कि तू बता कि पैसा कैसे कमाऊं। हमेशा कहता था मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे थोड़ा सिखाओ ना, मुझे थोड़ा बताओ ना। वो सीखता गया, 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 नंबर वन इन द इंडिया। मरा था तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य लेकर गया था, लेकिन वो सीखता गया। आप सीखते जाओगे, आप भी आगे बढ़ते जाओगे। जिस भी दिन आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात, ये तो मुझे पता है, समझ लो आपका एंड हो गया, अब आप आगे नहीं बढ़ने वाले। सीखना चाहो तो 4 साल का बच्चा भी सिखा सकता है, सीखना चाहो तो नाली में पड़ा शराबी भी सिखा सकता है, और अगर नहीं सीखने की ठान ली है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। सीखना लेने का सब्जेक्ट है, पाने का सब्जेक्ट। तैयार हैं सीखने के लिए? कितने ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ पता है? नहीं, हाँ धीरे धीरे वही समझ में आ रही बात कि कोई भी आदमी कहे ये पता नहीं, यार आप थोड़ा बताओ ना इसके बारे में, मुझे थोड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है। सुनो, सीखो, और सीखते गए तो एक दिन टॉप पर आप उस क्षेत्र में खड़े होंगे। दैट्स ऑल। तो अब मेरी बात आई कि भाई 285,000 का चेक आया, साला मैं तो साफ बन गया, थोड़ा घमंड आ गया मेरे अंदर, मुझे लगा कि यार मुझे सब पता है, अब ये सारे लोग इनको कुछ नहीं आता मुझे आता है, इसका मतलब मैं महान हूं। और मैंने उस दिन से, जिस दिन से अपने आप को महान समझा, उस दिन से मेरा पतन चालू हो गया। और पतन इस कदर चालू हुआ कि जो मंजिलें मैंने 2 साल में हासिल की थी ना, वो मंजिल में मैं 1 साल में वापस नीचे उतर गया। मेरे भाई, चढ़ना कठिन होता है, उतरना आसान होता है। हेलो, आप सीढ़ी पर चढ़ के देखना, चढ़ोगे तो बहुत कठिनाई आएगी, उतरोगे तो, और अगर उतरते वगैरह फिसल गए तो सीधा नीचे, है ना? तो उतरना बहुत आसान है, ऊपर कितना भी तेज गति, थोड़ा सा फिसला आदमी धड़ाम से नीचे आता, कितना भी ऊपर हो। और मेरा नतीजा था, और मुझे कहते हुए शर्म बिल्कुल में ही नहीं आ रही कि 285,000 से मेरा कमीशन घटता 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 2,500 पर आ गया।